विवेक सर, आरसीएफ कैसा दिख रहा है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। केमिकल्स और फर्टिलाइजर पे आप अगर देखो तो आरसीएफ मतलब ओवरऑल सरकारी कंपनीज का तो अभी मतलब जमाना है, काफी कंपनी सारी की सारी चल रही है और आरसीएफ का वैल्यूएशन भी अच्छा ही है ओवरऑल। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहूँगा क्योंकि कितने भी सरकारी कंपनी हो, ये नहीं है कि आपको फेयर वैल्यूएशन तक ये चली जाए या फिर एक्सपेंसिव रेंज में चली जाए, ये आपको कभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में ही मिलेगी। जैसे पीएसयू बैंक से तो कैचअप जो प्राइवेट केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी होता है और गवर्नमेंट की जो फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनीज होती है उसमें कभी भी एक वैल्यूएशन डिफरेंस रहता है। तो इसके लिए ये स्टॉक मतलब करीब 100 के नीचे ही चलता था जमाने से राजदर। तो अब 134 आई थिंक आप रखो इसको, एक स्टॉप लॉस लगा के रखो करीबन 118 रुपये का। थोड़ा सा ऊंचा वाला भी देता हूँ मैं आपको, 121 रुपये का, और इसको होल्ड कीजिए। 121 के जिस दिन भी नीचे जाए आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है उधर। और इसमें एक और स्टोरी है जो पीछे 15 साल से सुन रहा हूँ मैं, तो ये भी केवेट है कि अब अगले 15 साल भी चलेगा क्या। इसमें बॉम्बे में चेंबूर में बहुत बड़ा लैंड बैंक है इसके पास, और माना जाता है कि वो लैंड बैंक का जो आज शेयर वैल्यू ना उससे 5 गुना है। तो अब ये डिपेंड करता है कि सरकार अगर इसको प्राइवेटाइज करती है या फिर बेचती है या फिर उस लैंड को एसपीवी में ट्रांसफर करती है, जो भी अगर वैसा कुछ हो तो परफॉर्मेंस जबरदस्त दिखा सकता है स्टॉक। तो डायरेक्टली आपको मतलब 134 से लेके 500 तक भी जा सकता है ये। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये 15 साल से मैं भी सुन रहा हूँ, ठीक है? तो अब अगले 15 साल में होगा, 15 दिन में होगा, 15 महीने में होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये स्टोरी भी है इसमें जो हिडन स्टोरी है। जी ठीक है, तो ये भी एक है। उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स इसलिए भी क्योंकि ये सरकार का आखिरी कार्यकाल का, इस कार्यकाल का आखिरी साल और उसका आखिरी बजट होगा। और वैसे सरकार फ्री बीज में कम विश्वास करती है जैसा कहती है, लेकिन सब्सिडी और उसकी उम्मीद साफ साफ दिखाई दे रही है और उसका शायद फायदा आता हुआ फर्टिलाइजर सेक्टर यानी इन कंपनीज को मिलेगा, मिल सकता है, जो कि सामने रिफ्लेक्ट भी कर रहा है चार्ट्स पे।